मेरी बहनों आंसू मत बहाना, तुम्हारे एक एक आंसू पे लोग आखिरी कतरा बहा देंगे। हम लोग क्या बात करती है, आंसू मत बहाओ। देखो दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, दिल्ली के लोग जय जयकार करेंगे। मेरी बात अगर तुम्हें लग रही है कमजोर, पहले तो ये सब लोग सीनियर लोग जानते हैं कि मैं कोई बात हल्की कहता हूँ, क्या बताओ, वजूर से ज्यादा नहीं कहता। अधियार गवार मैं, यहाँ मैंने 5 लाख लोग उतारे, यहाँ झूठ फैलाना बंद करो कि ये जाट समाज के बच्चे हैं, ये हरियाणा के बच्चे हैं, ये देश के, जब ये मेडल लाए थे ना तब ये देश के ही थे, आज भी ये देश के ही है। क्यों भाई, देश के हो या नहीं हो? देखो जाति व्यवस्था तो इस देश में है और आदमी को पैदा होने के बाद पता लगता है किस जाति में पैदा हो गए। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। आज 8वें दिन हम आपको जंतर मंतर की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, वो आज यहां पर खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिखाने के लिए आ गए हैं। अपने पूरे समर्थकों को लेकर आज वो अपना यहाँ समर्थन दिखाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब उनका भाषण शुरू हो गया, हम दिखाना चाहेंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं खिलाड़ियों के समर्थन में। इस आंदोलन के बारे में दो चीजें जाननी पड़ेंगी। पहले ये कि ये आंदोलन सिर्फ जो सरकार आज चेहरा दिखा रही है कि जाटों का आंदोलन है, ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र में कि जाट खिलाड़ी, अगर आज ये जाट खिलाड़ी हैं तो कल इन्हीं जाट खिलाड़ियों के जब ये गौरवान्वित करे देश पे, तब भी तो आप तालियां पीट रहे थे, तब कुछ क्यों नहीं हुआ? आज अगर वो अपनी मांग को लेके बैठे हैं तो आप उनको जाति के चश्मे से देख रहे हो, धर्म के चश्मे से देख रहे हो। देखो मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, पहले इनसे स्पेशली कहना, ये बहादुर लोग रोते नहीं है, तुम्हारी आंखों के आंसू हमें कमजोर कर रहे हैं, तुम मत रो, तुम आंसू मत बहाओ। तुम्हें क्या लगा था एक बार कह के देखो कि लोग तुम्हारे लिए सड़कों पे आ जाएं, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि सब लोग सड़कों पे आ जाएं। लेकिन वो वीरांगनाएं जो देश के लिए लड़ के आती हैं, एक खिलाड़ी का जीवन समझते हो आप लोग? ये हमारे आम जीवन जैसा नहीं है। पहली बात, इनका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, और जब आपको बहुत सारी चीजें खाने पीने का मन होता है, आराम करने का मन होता है, इन सबको त्यागना पड़ता है। एक दिन में थोड़ा बनता खिलाड़ी, उसके लिए उसके परिवार की, उसके क्षेत्र की, उसकी कड़ी मेहनत होती है, धूप तपस्या में तप के आता है वो, तब जाके खिलाड़ी बनता। और आज उन खिलाड़ियों के आंखों में आंसू, ये तो अच्छा नहीं। इनको जीत जाना चाहिए था, लेकिन बुरा यह है कि ताकतवर लोगों को लगता है कि इनको जीतने नहीं देना है, और ये जीत की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई। आप महसूस करो क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, ये तो काम पुलिस का है ना। अगर किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत आती तो पुलिस FIR करेगी ना, अगर नहीं करेगी तो फिर कानून किस लिए? हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अनेक पार्टियां हैं, अनेक जाति हैं, अनेक धर्म हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि आलोचना भी हो, विरोध भी हो, समर्थन भी हो और संघर्ष भी। जब वो अच्छा काम कर रहे थे खिलाड़ियों ने उनका बढ़ चढ़ के समर्थन किया, कभी विरोध नहीं किया। आज जब वो गलत कर रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा। नैतिकता तो ये कहती है कि जिस व्यक्ति पे आरोप है उसको खुद पर से इस्तीफा देना चाहिए। देखो मैं वकील भी हूं और हमने बहुत सारे मामले देखे, बड़े से बड़े मामले। मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये लड़ाई किसी जाति के प्रति किसी जाति की नहीं है, दोबारा कह रहा हूं, ये लड़ाई हमारे देश के गौरव, हमारी बहनों की, बच्चियों की, भाइयों की और उन ताकतवर लोगों से है जो नहीं चाहते कि बेटियां देश पे गौरव करें। देखो यहाँ हरियाणा के ज्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं, खाप के सम्मानित लोग भी, हमारे नेतागण भी एक दिन वही हरियाणा था जहां बेटियों को इतने अवसर नहीं थे, आज का हरियाणा जहां बेटियों के नाम से हरियाणा की पहचान होती है। मैंने तो देखा ओलंपिक में बेटियां मेडल लेके आई, सारे बेटे कमजोर पड़ गए, पढ़े नहीं पढ़े, तब हम खुश हुए, हमने तालियां बजाई, हम सेल्फी खिंचवाने के लिए घूम रहे थे। और मुझे तो इस देश में इतने मजबूत प्रधानमंत्री है, मैंने देखा जो टीम हार भी गई उनको उन्होंने फोन किया कि भाई आप घबराना मत। लेकिन आज पता नहीं पिछले कुछ समय में परिस्थिति बदली है, आज वो बेटियां यहीं बैठी हैं उनसे कुछ गज की दूरी पे, आज आवाज नहीं जा रही है, आज आवाज नहीं जा रही है। देखो पिछले कुछ समय में बहुत कुछ बदला, इस बात पे गहराई से सोचो आप लोग, ये आज की लड़ाई नहीं। जब भी कोई लड़ने के लिए आए, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, कोई भी हो, चाहे किसी जाति का और धर्म का, अपने अधिकारों के लिए सरकार ने एजेंडा सेट कर दिया, तभी
अब बजरंग के साथ एक अच्छी बात यह है, आप ऐसे फोन करो या ये आपको फोन करे तो ये कहेगा सीधा एकदम छुटते कहेगा राम राम जी। अब इसको कैसे आप एजेंडे में सेट करोगे, आप इसको मुसलमान कहोगे, आप इसको खालिस्तानी कहोगे, आप इसको धर्म विद्रोही कहोगे, आप इसको टेररिस्ट हो क्या कहोगे? यहां सरकार आके फंस जा रही है, वरना सत्यता ये यहां बैठने नहीं देते। ये तुम दमदार लोग हो भाई, अगर ये ही मुकदमा किसी गरीब आदमी पे हो गया होता ना, उसके परिवार की खाल खींच के घुस भर देती पुलिस। हमने जिंदगी देखी है, यहां 20 साल हो गए मैं काम करते हुए। अगर न्याय सबके लिए समान होता फिर FIR के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता। देखो ये भी एक सत्य है, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे तब तक कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य बात है, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष है तब तक निष्पक्ष न्याय तो छोड़ दो, न्याय का मात्र होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। जब आप उस पद पे बैठे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा, और जब आप उस पद की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा? मैं तो ये समझ रहा था कि बलभूषण जी अपने आप जो वो इस्तीफा दे देंगे कि भाई पहले निष्पक्ष जांच होने दो। कल से मीडिया ने एक चीज चलाई कि भाई कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी, वो भी कह रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी। ओ भैया कमेटी कौन सी है जी, कोई निष्पक्ष कमेटी है? कोई जज साहब उस कमेटी को लीड कर रहे हैं? सरकार के लोग हैं, सरकार के नेता हैं, सरकार से जुड़े लोग हैं। मेरा तो ऐसा मानना है जिनका रोजगार ही सरकार से चल रहा है वो बेचारे क्या निष्पक्ष हो जाएंगे बताओ। अगर कमेटी बनानी है ना तो चीफ जस्टिस साहब बैठे तो हैं, उनके नेतृत्व में बनवा दो, पता लग जाएगा तुम्हें सारी चीज का कैसे जांच होती है। देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये है कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके वो रीढ़ की हड्डी वाले हैं, और यही सरकार के लिए परेशानी है, यही एकमात्र परेशानी है। देखो मैं तो यहां मीडिया के लोग बैठे हैं, एक हमारी बहन उधर खड़ी है प्रज्ञा, मैं तो ये कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाता, आपको इसको सरल बनाना चाहिए। 2-3 लाख रुपए नहीं है लोगों के पास कि लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाए, जबकि वो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर कमेटी बनानी है, और बलभूषण सिंह जी भी सुनेंगे मुझे, तो कमेटी बनवा दीजिए ना चीफ जस्टिस साहब के नेतृत्व में, हम भी मान लें। और हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं ना, निष्पक्ष जांच तब होगी जब बलभूषण जी इस्तीफा दे दे। आप मेरी एक बात को गलत साबित कर दो, डिनाई कर दो, अगर यही पोस्टों के FIR किसी और पे हुई होती तो क्या वो आज बाहर घूम रहा होता? क्या बता बता आप सब लोग बता दो। अच्छा देखो बोल दो सर, देखो एक चीज और सुनो, पिछले कुछ समय से ट्रेंड बदला है, आरोपी के पक्ष में पंचायत होती है, आरोपी के पक्ष में डिबेट होती है, और हमारी सम्मानित मीडिया खड़ी है ये उसको डिफाइन करने लग जाते हैं बार बार। देखो भक्ति से काम नहीं चलेगा, भक्ति तो आसाराम जी की भी बहुत लोग करते थे, करते थे नहीं करते हैं बता। देखो उदाहरण बता रहा हूं, एक मिनट सुन लो, उदाहरण बता रहा हूं आपको। जब तक उन पे कोर्ट का फैसला नहीं आया, जो लोग उनको आराध्य मानते थे उनको पूछते थे, मां पूछते थे नहीं पूछते, जब कोर्ट का फैसला आया तभी तो पता लगा। ताकतवर है तो क्या अपराध नहीं कर सकता है क्या? धर्म का चोला उड़ ले तो अपराध नहीं कर सकता? कर सकता है, हरियाणा के लोग तो राम रहीम जी के गवाह हैं। बताओ आप इस बात को नोट करो, देखो पैरोल मिलती है, सब कुछ मिलती है, आम आदमी को दिला दो पैरोल। ये क्यों है? ये इसलिए है कि सत्ता पक्ष अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रहा। देखो मैंने ये दो उदाहरण इसलिए दिए कि जब आसाराम जी पे अगर कोर्ट ने तय कर दिया और फिर कोर्ट ने सजा की, तो जब आसाराम जी और राम रहीम जी के निर्णय में हमें पता लग सकता है कि कोर्ट सही है, तो बलभूषण जी का फैसला भी कोर्ट पर छोड़ दीजिए। आप क्यों डिफाइन करने लगे हैं? उनको गिरफ्तार तो होने दीजिए, ताकत कम तो होने दीजिए। जब वो सत्ता में बैठे हैं, ताकत में बैठे, कैसे न्याय हो जाएगा? ऐसे न्याय संभव नहीं। देखो हमें गौरव करना चाहिए कि किस माहौल में हमारी बहनें और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया आज वो यहां हैं। परसों रात पता लगा साहब बिजली काट दी, पानी काट दिया, गद्दे चलो चिंता मत करो। देखो मेरे साथ थोड़ा सा ना, मैं नया काम अपना कर रहा हूं, बजरंग साक्षी बैठी है हमारी छोटी बहन, अगर ये काम ना होता तो मेरा गद्दा ही गिरवा देता मैं, ठीक है। मैं एक ऐसा आदमी ना, मैं अपनी बहनों के आंसू नहीं देख सकता। लखनऊ में रोई थी हमारी बहनें, मैं 4 दिन तक वहीं उनके साथ ही बैठा रहा,
और सरकार को हमने झुका दिया, सरकार को फैसला लेना पड़ा कि नहीं ये गलत है। तुम्हारे आंसू देखते हैं ना तो कलेजा छन्नी हो जाता है। मेरी बहनों आंसू मत बहाना, तुम्हारे एक एक आंसू पे लोगों का आखिरी कतरा बहा देंगे हम लोग। क्या बात करती हो, आंसू मत बहाओ। देखो न्याय तब होगा जब वो फेडरेशन के अध्यक्ष पद को, अगर नैतिकता होती छोड़ देते, नैतिकता नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए बच जाए। अगर अपराध करके बचना चाहोगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे संभव हो पाए। इसलिए देखो प्रधानमंत्री जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि ये सवाल ये है कि जब आप सबको सबके आंसू पूछ रहे थे, जब हारा जो जीता, जिन्होंने देश को गौरव किया, तो आपकी तरफ से एक आदमी तो आता उनके आंसू पूछने के लिए। और अगर देखो मैं ये भी कह रहा हूं स्पष्ट, यहां हमारे सभी भाई मौजूद, जाति धर्म पार्टी सब चीजों से ऊपर उठ के, अगर किसी सरकार के अलावा किसी दूसरी पार्टी के लोगों से अपराधी जुड़ा होता तो सरकार के लोग हिला के रख देते सब कुछ। लेकिन बुरा यह है कि सरकार से जुड़े हुए लोगों पर आरोप है, तो आप ये देखो उनके यहां भी महिला नेता, एक महिला नेता अगर ये कह दे, कहते ना जमीर जिंदा होते आदमी इंसाफ की बात कर ले, यही कह दे कि भाई निष्पक्ष जांच हो जाए, बताओ कि दिख नहीं रहा, इतनी बड़ी बड़ी नेता उनकी पार्टियों में है, नहीं दिख रहा है, ये तो कह दो निष्पक्ष जांच करा दो, इसी का दबाव हो जाए। अगर आप सब लोग देशवासी मेरी बात पर गौर करें, अगर अपराधी हमारा है तो हम चुप रहेंगे, अगर अपराधी दूसरी पार्टी का तो हम बोलेंगे। इसको जिंदा रहना कहते हो, ये जिंदा रहना नहीं होता, ये तो मुंह दिखाई की बात हुई। मेरा तो ये मानना है, मैं तो अभी अपील करूंगा अपनी महिला नेताओं से जो तमाम पार्टियों में, आओ ना बैठो इनके बराबर में, आप किसी भी पार्टी में आओ ना, इनके लिए न्याय की मांग करो। अगर आप जिंदा, फिर आपके उन कुर्सियों पर बैठने का कोई फायदा नहीं है जिन कुर्सियों पर बैठ के आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, महिलाओं को न्याय देने की बात कर रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है। कौन सी सुरक्षा, जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, वो बच्चा सुरक्षित नहीं है जो देश को गौरवान्वित करती है, तो कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से अपील है प्राइम मिनिस्टर जी से, वो हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनके भी प्राइम मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है या नहीं है, बताओ बताओ तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है। इनके माध्यम से हमारी दो तीन अपील ये है, पहला वो नैतिकता के आधार पर बलभूषण छोड़ दे और जांच होने दे, पहला। दूसरा, कोई भी अगर जांच कमेटी बनानी है न्याय देने के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने, सरकार के लोगों पे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार के लोग तो संरक्षण दे रहे हैं। तीसरा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पहले उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी ताकत कम हो, तब जाके मुझे उम्मीद है कि न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। और बड़े पैमाने पर चौथी बात, ये झूठ फैलाना बंद करो कि ये जाट समाज के बच्चे हैं, ये हरियाणा के बच्चे हैं, ये देश के, जब ये मेडल लाए थे ना तब ये देश के ही थे, आज भी ये देश के ही हैं, क्यों भाई देश के हो या नहीं हो। देखो जाति व्यवस्था तो इस देश में है, और आदमी को पैदा होने के बाद पता लगता है वो किस जाति में पैदा हो गया, पैदा होने से पहले भी किसी को पता होता है कौन सी जाति में। तो जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक तो ऐसे तो न्याय तो मिल जाए कहां से खत्म हो जाएगी, ऐसे नहीं खत्म होगी, खत्म करनी पड़ेगी जब अच्छे लोग सोचेंगे इस बारे में भी कि जाति की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो ये देश के बच्चे हैं, देश की बेटियां हैं, हम सबके भाई हैं, बहन हैं, हम इनके लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए आए हैं। और मेरा जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे भी अपील है कि जब आप इसके अंदर आ जाओ, इनके प्रेशर के, जहां इनके सम्मान गौरव की लड़ाई चल रही है, तो अपनी पार्टी को वहां छोड़ाओ पीछे, आपके नारे इनके आंदोलन को बदनाम ना कर दे, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सरकार के लोगों का एजेंडा वो किसी भी तरह से आंदोलन को गलत साबित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करेंगे, कोई नारा उनको ही आदमी आगे लगा देगा और वो कहेंगे देखो जी वहां तो ये हो रहा है, यहां सिर्फ एक चीज हो रही है कि देश की वीरांगना है, देश का गौरव, देश का युवा, देश का नेतृत्व करता जमीन पे बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली में बैठ के लड़ रहा है, और देश के हुक्मरान कानों में रूल डाल के चैन से सो रहे हैं, और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए, कल आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब वहां विनय, साक्षी, बजरंग और तमाम हमारे भाई बहन वहां बैठे थे
तब आप लोग घर में चैन से कैसे सो रहे थे बताओ? ये वो देश है जहां बेटियों को पूजा जाता है, जहां उनकी पूजा होती है, उसी देश में इनके आंसुओं का जवाब है क्या सरकार के पास? ताकतवर लोगों के पास जवाब है क्या इनके आंसुओं का? कौन देगा जवाब? मैं बस ये चाहता हूं, हमारी एक ही मांग है कि इनकी मांगों को सरकार सुने। ये लड़ाई सिर्फ एक ही लड़ाई, न्याय की। और अगर ये इतना विवाद चलता रहेगा आपस में तो बताओ कैसे आएगा मेडल? आ जाएगा? जब ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे तो कैसे आ जाएगा मेडल? और मेडल नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे देश वालों को पकड़ के अपने देश का बना लोगे क्या? कहोगे ये भारत का रहने वाला था पहले? है नहीं, ये गलत। इसलिए इनकी जायज मांगे हैं, इनकी जायज मांगों पे सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे पहले पुलिस से भी मेरा ये अनुरोध है कि भाई आपको आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, और फिर कोर्ट के जरिए, जांच के जरिए जो आए उस पर काम होना चाहिए। और तमाम नेताओं से मेरा ये अनुरोध है जो सरकार में है या सरकार से बाहर है कि वो अगर कुछ नहीं कर सकते सरकार के लोग, तो कम से कम इनके लिए जांच की मांग ही कर दो, या इतना भी नहीं कर पाओगे तो जिंदा रहना सिर्फ एक संत कह के गए, इसकी सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता वो भी मर जाता। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि हम मान रहे हैं कि वो सही हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने तय किया कि हरियाणा के एक संत, जो संत नहीं थे, संत तो दुनिया के लिए जीता है, मानवता के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है, लोगों पर उपकार करता है, जो शोषण करता है वो संत नहीं होता, वो ताकतवर नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा हार ना माने, खड़े हो जाओ, जरा एक बार खड़े हो जाओ, आ जाओ खड़े हो जाओ, नहीं खड़े हो जाओ, इनका धन्यवाद करो सब लोग कि ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और जोर से ताली बजा के धन्यवाद करो। इसका कारण अगर आज हम लोगों ने इनका हौसला नहीं बढ़ाया, मैं खाप के लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तय किया कि नहीं न्याय मिलना चाहिए। अगर आज हमने इनका हौसला नहीं बढ़ाया तो कल कोई अपने हक के लिए सड़क पर नहीं आ पाए, और अगर इस देश में मांगने से कुछ मिल जाता तो हर व्यक्ति ताकतवर हो जाता। यहां तो लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है। हमने बहुत आंदोलन देखे और इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन है, 700 लोगों ने कुर्बानी दी तब जाके हम लोग उसे जीते। इसलिए आपसे अपील है बहादुर भाइयों बहनों, एक तो रोएगा नहीं तुम में से कोई, मैं ये भी जानता हूं कि तुम भावुक होकर रोती हो, घबराती नहीं हो, शेरनी हो वैसे तो हमारी बहादुर बहनों, लेकिन रोना नहीं है, आपके आंसू कमजोर करते हैं। आप देखो ये भावुक लोग हैं, पूछो इनसे है नहीं है भावुक, ऐसा ना हो तुम्हारे आंसू इस देश में सैलाब ला दें। क्रांति जब जन्म लेती है ना, विद्रोह से जन्म लेती है, इस देश का इतिहास गवाह है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जब बलिदान दिए 23 साल के थे, तुम तो 23 साल पार हो, तो जानो कि क्रांति जन्म ले रही है, आपके आंसू सैलाब पैदा कर रहे हैं। जिस दिन अजमा के देख लो, तुम्हारा मन हो बस यहां से कहना कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं कि वो आ जाए यहां, इस दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, दिल्ली के लोग जय जयकार करेंगे। मेरी बात अगर तुम्हें लग रही है कमजोर, पहले तो ये सब लोग सीनियर लोग जानते हैं कि मैं कोई बात हल्की कहता हूं, कहता हूं क्या बताओ? वजूद से ज्यादा नहीं कहता, इतिहास गवाह, मैं यहां मैंने 5 लाख लोग उतारे यहां, सरकार को एक दिन में हमने हिला दिया। देखो मगर ये लड़ाई न्याय की है ना, इसलिए कह रहा हूं, जिस दिन मन करे अजमा के देखना, कह देना एक बार माइक से कि देशवासियों से मेरी अपील है कि हमारे लड़ने आ जाओ। मैं उन खिलाड़ियों से भी कहना चाहता हूं जो घर बैठे, आज इनकी भी आ रही है, कल आपकी भी आ सकती है, फिर क्या करोगे? फिर किसके पास जाओगे? फिर किसको कहोगे? हमारे यहां तो समझाते हैं देसी भाषा में कि एक मुर्गे पे आंच आती है तो दूसरा आराम से दाना खाता है। ना मुर्गे हैं ना ये मुर्गे हैं, ये योद्धा है और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार। तो आप सबसे अपील है डटे रहिए, और जब आप कहोगे बता देना, तुमसे हार जाएगी सरकार, हमारे जैसे लोगों की तो जरूरत ही नहीं, देख लेना, डटे रहो मैदान में, ठीक है? और जिस दिन प्रशासन के लोगों से पुलिस के लोग निवेदन है, देखो भाई परसों तो काट वाट दी बिजली यार, देखो हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ ही जोड़ सकते हैं, कमजोर लोग हैं, अब बिजली पानी मत काटना, आप यहां काटोगे हम वहां भी कटवा देंगे, मुरादाबाद वाली मोदी नगर वाली, आप बेहतर जानते हो, बताने जरूरत नहीं है। यहां हम अगर हमारे भाई बहन तरसेंगे तो बहुत लोग तरसेंगे, वो भी तरसेंगे जिनके घर में पानी
मंत्रियों के बहुत बहता है, वहीं से कटवा देंगे मुरादनगर से। हम जानते हैं पानी का इलाज पानी कहां से होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम हरियाणा के ईमान हो, बस ये बात जान लो कि अन्याय नहीं होने देंगे अपने बहन भाइयों के साथ। आप लड़ो, पूरा देश आपके साथ है, मुट्ठी भर उन पर मत वो करो। आपके खिलाफ वास्तव मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा मानना है जिनके खिलाफ चले वो समझ लो कि वो सही, क्योंकि चलाने वालों के डीपी देख लो आप, इसने तो हटा दी इसको तो पूछा किसने, इसने तो हटा दी। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उनको भी हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको भी देश की बेटियों का सम्मान करना चाहिए, देश के खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए, उनको भी इनके आंसू की कदर होनी चाहिए। अगर पगड़ी बंद गई है तो उसकी लाज तो रख लो यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ।